नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका की घास मंडी में श्री सेवा समिति रामलीला के मंच पर रामलीला का मंचन शुरू कर दिया गया है। आज यहां पर रावण जन्म नाइट का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से यहां पर कलाकारों को तैयार किया जा रहा है, फाजिलका की श्री सेवा समिति रामलीला के मंच का यह दृश्य है, जहाँ पर आज रावण जन्म नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें रावण का जन्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर रामलीला खेली गई। देख प्यार से यहाँ पर कलाकारों द्वारा रामलीला खेली जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर पहुँची मिस तमन्ना द्वारा अपने डांस प्रोग्राम भी दिखाए गए, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। देख प्यार से मिस तमन्ना यहाँ पर अपना डांस प्रोग्राम दिखा रही है। फाजिलका की घास मंडी के श्री सेवा समिति रामलीला के मंच का यह दृश्य है, जहाँ पर आज रावण जन्म नाइट का आयोजन किया गया है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। मैं काली रावण श्री सेवा समिति घास मंडी रामलीला से तकरीबन मेरे को तकरीबन 12 साल हो गए यहाँ पे मंच पर रोल करते हुए। ऐसा हर्ष मिलता है, ऐसा प्रभु जी का आशीर्वाद होता है इन रामलीला के दिनों में कि हमारा मन गदगद हो जाता है। सेवा और भावना से लोग देखने भी आते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम सेवा समिति में इसी तरह बढ़ चढ़ कर रोल करते रहेंगे और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। ये सेवा समिति रामलीला को तकरीबन 80-90 साल हो गए चलते हुए। 50 साल से पिछले मैं भी रामलीला में लगातार आ रहा हूँ और पिछले 15 साल से एज ए डायरेक्टर सेवा समिति में सेवा दे रहा हूँ। नया हमारे पास ताड़का वध के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सीन बनाए जा रहे हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी शेप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो फाजिलका निवासी हैं? आज का युग बदल गया, सोशल मीडिया का युग हो गया है। लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि पीछे KBC के अंदर या कोई भी एक सीन आया था फिल्मों का, जो सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया, धार्मिक प्रश्न था लेकिन उसको जवाब नहीं दे पाई। इससे बड़ा दुख होता है कि इतने इतने बड़े जो स्टार कलाकार हैं उनको हमारे धर्म के बारे में नहीं पता। तो ये रामलीला एक ऐसा माध्यम है जो जनता को भगवान राम के प्रति, अपने धर्म के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक कर सकता है। आपका नाम तेलू जी? तेलू जी, कितने साल हो गए आपको ये रामलीला के साथ जुड़े हुए? जो हो गए 20 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। अच्छा जी, किस किस तरह के रोल आप कर लेते हो? बस जोकर के करता हूँ, बढ़िया बड़े कर लेता हूँ, रावण का किया हुआ जी, और भी कर लेता हूँ कई तरह के। जोकर के रोल ही आप क्यों करते हैं? बढ़िया लगते हैं मुझे, बहुत बढ़िया रोल है जोकर के, मतलब लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। बस बहुत जी, मेरा नाम बंद चला जा गया है। हम यहाँ पे तकरीबन ये 70 सालों से रामलीला का आयोजन अच्छी सेवा समिति सभा करती आ रही है। हमने हमारे बुजुर्गों का अनुसरण करते हुए अब तक इस ज्योत को जलाए हुए हैं और तकरीबन 20 कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे सहयोग दे रहे हैं। हम 1.5 महीने तकरीबन रिहर्सल करते हैं, उसके बाद ये 16 दिनों का आयोजन होता है, जिसे हम श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक पूर्ण करने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन यह प्रयास सफल होगा आप सबके सहयोग से। तो जितना भी हम प्रयास करते हैं या जो भी हम तैयारियां करते हैं वो इस धर्म की जोत को जलाए रखने के लिए है कि आप लोगों जो धर्म का ह्रास इस समय हो रहा है इस समाज में, हम देख रहे हैं कि कहाँ हमारा समाज जा रहा है और समाज को एक पथ देना है, एक मार्ग सही दिशा निर्देश देना है, तो ये रामलीला एक माध्यम है जो आपके बच्चों को भगवान हमारे धर्म का जो है जानकारी दे सकती है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप अपने बच्चों को खासकर लेकर आएं ताकि उन्हें हमारे धर्म के बारे में पता चले कि यह धरती राम की धरती को फैलाती है, तो राम जी के जीवन का उन्हें परिचय होना चाहिए कि राम जी ने क्या त्याग किया, उनकी क्या मर्यादाएँ थी,
दशरथ महाराज के चरित्र में देखी कि पिता के क्या कर्तव्य होता है, पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम देखिए। मंथरा जैसी जो दासियाँ होती है वो हमें ये शिक्षा देती है कि ऐसी चापलूस जो दासियाँ होती है वो कैकेयी जैसी महाज्ञानी जो स्त्री है उसका भी विवेक शून्य कर देती है, तो ऐसी स्त्रियों से बचना चाहिए। तो ये शिक्षा ही है जो एक प्रैक्टिकल तरीके से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। शायद किताबी ज्ञान उनके समझ में ना आए लेकिन ये प्रैक्टिकल अगर हम उन्हें शिक्षा दे सकें तो ये माध्यम से रामलीला है। आप अपने बच्चों में इसके प्रति इंटरेस्ट पैदा कीजिए और प्रभु ये जो रामलीला आपके द्वारा की जाती है कहाँ पर और कितने बजे की जाती है ये भी बताएं। ये रामलीला घास मंडी मैदान में 9:30 बजे हमारा प्रयास होता है कि हम प्रार्थना कर दें। 9:30 बजे आप आ जाइए कि जब आप जुड़ने शुरू हो जाते हैं, जब पब्लिक आनी शुरू होती है तो हम लाइट शुरू कर देते हैं। आपका सहयोग हमें वांछित है और आपसे हाथ जोड़कर फिर अपील है कि आप अपने घरों से आइए, खासकर अपने बच्चों को लाइए ताकि वो हमारे धर्म के प्रति जागरूक हो सके, उससे अवगत हो सके। धन्यवाद। ये थे श्री सेवा समिति रामलीला के कलाकार जो हमें जानकारी दे रहे थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ रामलीला के मंच पर जहाँ पर डांस कलाकार द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। Oh,
प्योर हो प्राउड, किसी का दम नहीं जो मेरा मुकाबला करे। और समझो उसका अंत आ गया, अपनी आयु बिता गया। आज से बेहतर शराब नोशी के लिए और कौन सा दिन होगा, जबकि अबर की बहार है, घनघोर घटाएं छाई हैं, रुत बदली आज जमाने की, पी और पिलाता जाता की, ओ खैर तेरे में खाने की। फूलों का रंग बदलता है, भुर्के की सुराही ढलती है, आला का भाला चलता है। जिंदगी है जब चमन हो खबर हो। फाजिलका में चल रही रामलीला का प्रसारण हम आपको रोजाना आरबी लाइव मीडिया पर दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।